नमस्कार देश हमारा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा और खबरों की शुरुआत करते हैं। रविवार को नई संसद के उद्घाटन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के प्रमुख पुजारियों से मुलाकात की है। इस मुलाकात के दौरान पुजारियों ने पीएम मोदी को आशीर्वाद दिया है। पीएम मोदी ने तमिलनाडु से आए अधिनम से यह मुलाकात अपने आवास पर की है। अधिनम संतों ने प्रधानमंत्री को सेंगोल सौंपा है। सेंगोल रविवार को नई संसद में स्थापित होगा। रविवार को होने वाले उद्घाटन कार्यक्रम में भी अधिनम हिस्सा लेंगे। आज हुई मुलाकात के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी भी मौजूद रहे। तो आपको बता दें, कल नई संसद का उद्घाटन होना है, जिसको लेकर अधिनम के जो संत थे आज प्रधानमंत्री आवास पर मिले हैं और उन्होंने प्रधानमंत्री को सेंगोल सौंपा है। आपको बता दें, कल नई संसद के उद्घाटन के बाद ये सेंगोल संसद में स्थापित किया जाएगा। संसद के नए भवन का उद्घाटन रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। उद्घाटन को लेकर जारी विवाद के दौरान 25 दलों ने सरकार के समर्थन का ऐलान किया है। इनमें से 7 दल सत्तारूढ़ एनडीए का हिस्सा नहीं है। वहीं 21 विपक्षी दलों ने समारोह से दूरी बनाए रखने का फैसला लिया है। इधर देश के पूर्व नौकरशाह और गणमान्य नागरिकों के एक दल ने बयान जारी कर विपक्ष के फैसले की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि ये सभी भारतीयों के लिए गौरव भरा पल है, लेकिन परिवार पहले की नीति का समर्थन करने वाले दल एक साथ आ गए हैं। इस संयुक्त बयान पर 88 पूर्व प्रशासनिक अफसर, 100 पूर्व सैन्य अधिकारी और 82 शिक्षाविदों ने दस्तखत किए हैं। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने भी इस मसले पर विपक्ष से अलग राय पेश की है। उन्होंने कहा है कि नया संसद भवन स्वागत योग्य है। अब्दुल्ला ने कहा है कि जब वह लोकसभा सदस्य थे तो बेहतर संसद भवन जरूरत को महसूस करते थे। बागेश्वर धाम के कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र का नारा दिया है, लेकिन इस बार उन्होंने पाकिस्तान पर भी निशाना साधा है। सूरत में आयोजित दिव्य दरबार कार्यक्रम के दौरान उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। पंडित शास्त्री ने कहा है कि जिस दिन गुजरात और भारत के हिंदू तिलक लगाकर सड़क पर निकलने लगेंगे, उसी दिन भारत हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि अब सिर्फ भारत को ही नहीं पाकिस्तान को भी हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को राम और हिंदुस्तान की जरूरत है। पाकिस्तान से पीओके नहीं संभल रहा है। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा है कि उनका किसी राजनीतिक दल से संबंध नहीं है। पंडित शास्त्री ने कहा कि मैं सिर्फ एक पार्टी से जुड़ा हूं और वो पार्टी है बजरंगबली की। मेरे बागेश्वर धाम के पागलों, एक बात तुम अपनी जिंदगी में याद रखना, जिस दिन गुजरात के लोग इसी प्रकार संगठित हो जाएंगे, भारत क्या, हम तो पाकिस्तान भी हिंदू राष्ट्र बनवाएंगे। छत्तीसगढ़ में सियासी दल चुनावी साल का आगाज होते ही धुआंधार कार्यक्रम कर रहे हैं। इस समय सबके निशाने पर बस्तर है। भाजपा के प्रदेश प्रभारी जहां हवाई दौरे के माध्यम से बस्तर को मथने की तैयारी में है, वहीं कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन के माध्यम से बस्तर के कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने में जुटी है। कैसा होगा सियासी दलों का कार्यक्रम, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ की सत्ता में कब्जा बस्तर के बगैर संभव नहीं है, इसलिए सियासी दलों का सबसे ज्यादा फोकस बस्तर की 12 सीटों पर है। बस्तर को मथने भाजपा के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर हवाई दौरे की शुरुआत करने जा रहे हैं। 28 मई को रायपुर पहुंचने के बाद वो सुकमा के लिए उड़ेंगे। सुकमा में पदाधिकारियों के साथ मंत्रणा के बाद दंतेवाड़ा पहुंचेंगे। दोनों जिलों में ओम माथुर विधानसभा कोर कमेटी के सदस्यों की बैठक लेंगे। जिला संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों से भी वो चर्चा करेंगे, जबकि 31 मई तक हर दिन दो जिलों के विधानसभाओं की बैठक होती रहेगी। 31 मई को कांकेर की बैठक के बाद वो रायपुर आएंगे। इस दौरान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, संगठन महामंत्री पवन साय, महामंत्री केदार कश्यप उनके साथ होंगे।
मेरा लगातार आप मान के चलिएगा, आप परेशान हो जाओगे। लगातार मैं दौरा करूंगा, करता रहा हूँ जहाँ जहाँ भी प्रवास मिला मुझे। और मेरा मूलतः काम संगठन को खड़ा करना है। तो अभी जो बस्तर क्षेत्र के जो सातों जिले हैं उनकी विधानसभा वाइजी बैठ के लूँगा, जिला बैठ के भी लूँगा, और हमारी वहाँ की बूथ के रचना क्या उसकी भी जानकारी लूँगा। कुल शुद्ध मिला के संगठनात्मक दौरा। ये तो असेसमेंट आपको लग रहा होगा और आपके मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं वर्णन कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी जीतने के लिए पूरी जितनी ताकत लगानी वो लगाएगी और पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। राज्य में सत्तारूढ़ कांग्रेस भी बस्तर के रास्ते सत्ता में वापसी की कोशिशों में जुटी हुई है। कांग्रेस इस वक्त बस्तर की सभी 12 सीटों पर काबिज है। इन सीटों को बचाना कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। यही वजह है कि कांग्रेस का ध्यान भी बस्तर पर है। कांग्रेस बस्तर में प्रियंका गांधी को बुलाकर भरोसे का सम्मेलन कर चुकी है। अब बस्तर से ही कार्यकर्ता सम्मेलन की शुरुआत भी करने जा रही है। 2 जून को बस्तर में कांग्रेस का संभागीय सम्मेलन आयोजित होगा, जिसमें सीएम भूपेश बघेल, प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा और पीसीसी चीफ मोहन मरकाम समेत तमाम नेता शामिल होंगे। 4.5 सालों में भारतीय जनता पार्टी जमीन में दिखी नहीं, अब हवाई दौरा के माध्यम से छत्तीसगढ़ प्रभारी ओम माथुर जी जा रहे हैं। इससे जनता में कोई मैसेज नहीं जाएगा। भारतीय जनता पार्टी हताश और निराश है। छत्तीसगढ़ में फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी, हमारी तैयारियां है। बस्तर की 12 सीटों में कब्जा इस समय सियासी दलों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। यही वजह है कि हर कोई मिशन बस्तर में जुटा है। ऐसे में ओम माथुर के हवाई दौरे से भाजपा को लाभ होगा या मैराथन कार्यक्रमों से कांग्रेस अपनी बढ़त को बरकरार रखेगी, ये तो चुनाव परिणाम के साथ ही साफ हो पाएगा। लेकिन कांग्रेस और भाजपा की सक्रियता ने नौतपा में बस्तर के सियासी तापमान को जरूर बढ़ा दिया है। रायपुर से आई News 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। केंद्र की सत्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को काबिज हुए 9 साल पूरे हो गए हैं। 9 साल पूरे होने पर भाजपा जहां देश भर में सरकार की उपलब्धियों को पहुंचाने की कोशिश में जुटी हुई है, वहीं कांग्रेस 9 साल 9 सवाल के नाम से बुकलेट जारी कर रही है। कांग्रेस के 9 सवालों का भाजपा ने जवाब भी दिया है। यूं तो इन 9 सालों में केंद्र सरकार की कई उपलब्धियां रही। कुछ फैसलों को लेकर सरकार की आलोचना भी हुई। चूंकि अगले साल लोकसभा के चुनाव है, ऐसे में भाजपा जहां सरकार की उपलब्धियां बताने में जुटी है, तो वही कांग्रेस ने सरकार को घेरने 30 से ज्यादा शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। रायपुर में राज्यसभा के उपनेता प्रतिपक्ष प्रमोद तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वही कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में भाजपा ने भी प्रतिक्रिया स्वरूप प्रेस कॉन्फ्रेंस की। भाजपा ने मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में देश आत्मनिर्भर बना, देश दुनिया में भारत की साख बढ़ी है, अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी काम हुए हैं। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया। तीनों काले कानून तो वापस ले लिए, पर MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य आज तक इंतजार हो रहा है। कोई राष्ट्रीय नीति नहीं बनी, हर प्रदेश अपना बनाता रहा। भ्रष्टाचार, मित्रवाद, ये जरूर है कि मोदी सरकार एक बात के लिए जानी जाएगी कि मित्र के लिए जरूरत पड़े तो देश कुर्बान कर देंगे। ऐसा मित्र तो शायद इतिहास में बहुत कम मिले होंगे कि अपने मित्र के लिए हम देश कुर्बान करते हैं। मोदी जी करते हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी के सरकार के 9 साल बेमिसाल रहे हैं। हर क्षेत्र में देश ने तरक्की की है। गांव, गरीब, किसान के तरक्की के लिए काम किए हैं। आधारभूत संरचना पर काम हुए हैं। सड़कों से लेकर हवाई सेवा के विस्तार से लेकर वाटरवेज तक के क्षेत्र में तरक्की हुई है। लोगों के जीवन में परिवर्तन आया है। देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। मोदी सरकार के 9 साल को लेकर कांग्रेस और भाजपा देश भर में आमने सामने हैं। कांग्रेस के पास विफलताओं की फेहरिस्त है और भाजपा के पास उपलब्धियों की लंबी सूची।
जनता किस पर विश्वास करेगी ये तो लोकसभा चुनाव के परिणाम ही बताएंगे, लेकिन केंद्र के मुद्दों पर सियासी सक्रियता ये बता रही है कि अब लोकसभा चुनाव के लिए भी सियासी बिसात बिछाने की शुरुआत हो चुकी है। रायपुर से आईएनएस 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में चुनावी साल में सियासत तेज है। झीरम घाटी हमले से लेकर ईडी की दबिश और शराब घोटाले तक मंत्री कवासी लखमा को भाजपा घेरने की कोशिश में जुटी हुई है। तमाम सियासी वार पलटवार और आरोपों के बीच मंत्री कवासी लखमा पहली बार आईएनएस 24/7 से मुखातिब हुए हैं। कवासी लखमा ने बस्तर में विधानसभा की सभी 12 की 12 सीटें जीतने का दावा किया है। दोनों लोकसभा सीटों में जीतने की बात कही है। वहीं भाजपा पर तीखे हमले भी किए हैं। झीरम मामले में नार्को टेस्ट की मांग को लेकर कवासी लखमा ने कहा है, यह पुरानी बात हो गई है, मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहता। मंत्री लखमा ने क्यों कहा, मेरे साथ भगवान भी है और कांग्रेस भी है। देखिए इस खास बातचीत में मंत्री कवासी लखमा से बातचीत की हमारे सहयोगी गौरव शर्मा ने। छत्तीसगढ़ में इस साल के अंत में चुनाव होने और सभी सियासी दलों का फोकस बस्तर पर है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर जहां बस्तर में हवाई दौरा कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस जो है वो 2 तारीख को एक बड़ा आयोजन करने जा रही है। इस वक्त बस्तर जिले के प्रभारी मंत्री कवासी लखमा जी हमारे साथ। दादी, बस्तर पे सारे दलों का फोकस है, भाजपा के प्रभारी भी गए हैं, आप लोगों का कार्यक्रम भी, कितना आप लोग आश्वस्त हैं कि बस्तर इस बार आपका साथ देगा? आज बस्तर पूरा कांग्रेस में हो गया। भूपेश बघेल आदिवासी के दिल में घुसा है। भारतीय जनता पार्टी 15 साल में बस्तर को नर्क बना के रखा था। सबसे बड़ा मुद्दा आदिवासी जिसको बांधता है देवगुड़ी गोटूर, भूपेश बघेल का सरकार कर रहा है और सिरा गुंडिया पुजारी मरिया सबको राजू गांधी मितान के माध्यम से पैसा मिल रहा है। मेरा विधानसभा एक जिला का विधानसभा है, 6,000 लोगों को मिल रहा है पीरी। इसलिए कांग्रेस पार्टी वहां पर पूरा विश्वास है, 12 का 12 विधानसभा जीता है, 1 लोकसभा जीते हैं, 1 लोकसभा थोड़ा सा वोट से आ रहे हैं कांकेर 6,000 वोट से, मतलब पूरा छत्तीसगढ़ में जो हम लोग आ रहे हैं सबसे कम वोट से। तो इसलिए मैं हमारा टारगेट है पूरा छत्तीसगढ़ में तो बड़े बड़े नेता है, मैं तो एक कार्यकर्ता हूँ लेकिन जिम्मेदारी मेरे को बस्तर के देते हैं। ऐसा मैं हमारा टारगेट है कांकेर लोकसभा, हम दोनों लोकसभा जीतना है। हमारा कार्यक्रम 2 तारीख को बड़ा सभा नहीं बड़े कार्यकर्ता लोगों का, ब्लॉक अध्यक्ष जिला अध्यक्ष जोन कमेटी कम से कम 2,000 आदमी का पहला कार्यक्रम हो रहा है। हमारे प्रभारी कुमारी सलजा, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और तुम्हारे प्रदेश अध्यक्ष तो बस्तर की है मोहन मरका में रहेंगे। दादी, लेकिन आपको बस्तर में आप लगातार एक्टिव हो और जैसे कि आपने अपने कामों को भी बताया, लेकिन बस्तर के मुद्दे पे ही आपको व्यक्तिगत रूप से घेरने की कोशिश होती है, चाहे वो झीरम की बात हो चाहे धर्मांतरण की। झीरम में अब ये कहा जा रहा है कि आपका नार्को टेस्ट क्यों नहीं कराते, अब पहले तो भाजपा के लोग बोल रहे थे, अब छविन करवा ही बोल रहे हैं। ये तो पुराना बात हो गया, उसको कोई वैल्यू नहीं है, कभी समय आएगा तो बताएंगे। लेकिन बस्तर में जब हवा आता है तो बड़े पेड़ को तोड़ता है ना, सबका नजर हमारा तरफ है लेकिन हम चच्चा आदमी है, हम किसी को भड़काने से किसी को बोलने से, मैं छोटा हो सकता ना बड़ा हो सकता हूँ ऊपर वाले के साथ, और कांग्रेस पार्टी हमारे साथ है, जनता साथ है। इसलिए बस्तर में आने वाला समय में भी नेतागिरी में ऊपर नीचे होते रहता है, बात होते रहता है, उसको कोई परवाह नहीं करना है। अगर भाजपा के लोग जो लगातार आपके ऊपर बार बार सवाल उठाते हैं, इसको क्या कहेंगे? बहुत दिन हो गए उसको, पुराना बोल रहा हूँ ना, पुराना बात, उसको कोई मुद्दे नहीं है इधर, इस बात को बोलने कोई वैल्यू नहीं। तो बस्तर में भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को जेल भेजा और अब जेल से छुड़वा रहे, और साथ ही साथ ये कहना है कि बस्तर की 12 विधानसभा और दोनों लोकसभा सीटों में भी कांग्रेस जीतेगी और आने वाला चुनाव जो होगा वो कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करेगी। कैमरामैन अविनाश चौबे के साथ गौरव शर्मा, आईएनएस न्यूज रायपुर। खबरों में आगे बात करेंगे। राजधानी रायपुर में हर साल NHMMI हॉस्पिटल की तरफ से 27 मई को इमरजेंसी मेडिसिन डे मनाया जाता है। वहीं इस साल इमरजेंसी मेडिसिन डे के मौके पर राजधानी रायपुर में NHMMI ने फ्री ऑफ कॉस्ट एम्बुलेंस सर्विस लॉन्च की है जो 24 घंटे उपलब्ध रहेगी और निःशुल्क किसी भी व्यक्ति को कोई भी असुविधा महसूस होने पर तत्काल उसे उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाएगी।
बहुत हर्षोल्लास के साथ मैं आप सब लोगों से और पूरी रायपुर की जनता के साथ ये शेयर करना चाहता हूँ कि आज के दिन हम एक सर्विस लॉन्च कर रहे हैं, फ्री एम्बुलेंस सर्विस, जो कि 24/7 अवेलेबिलिटी रहेगी रायपुर सिटी के सारे वासियों के लिए। किसी को अगर कोई भी असुविधा होती है, चाहे वो किसी अन्य हॉस्पिटल में एडमिट हो, वो यहाँ आना चाहता हो हायर सर्विसेज के लिए, तो वो हमारे एम्बुलेंस के जो नंबर दिया हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हैं 7509061830, इस नंबर पे कॉल करके एम्बुलेंस सर्विसेज तुरंत से मुहैया करा सकते हैं। ये जो हम लोग एक अवेयरनेस के लिए जो प्रोग्राम लॉन्च किए हैं इनसाइड ऑफ द रायपुर सिटी, फ्री एम्बुलेंस सर्विसेज फॉर द पेशेंट टू एक्सेस द इमरजेंसी, किसी को भी इमरजेंसी हो जाए तो वो फ़ोन करके इमरजेंसी का सर्विस ले पाए। कोई भी नज़दीक हॉस्पिटल NHMMI में भी आ सकते हैं, उसका फ़ोन नंबर है 24/7, हम लोग उसमें एक्सेसिबल है, एम्बुलेंस रेडी है, तो कोई भी पेशेंट अगर चाहे तो इमरजेंसी के लिए आपातकालीन सेवा ले सकते। देश भर में NHMMI हॉस्पिटल को सबसे बेहतर इलाज के लिए जाना जाता है। NHMMI हमेशा से मरीजों के बेहतर इलाज के लिए प्रयासरत रहता है। निशुल्क एम्बुलेंस सुविधा शुरू होने से राजधानी रायपुर में मरीजों तक बेहतर सुविधा पहुंचेगी। यह एम्बुलेंस 24/7 मरीजों को अस्पताल पहुंचाने के लिए तत्पर रहेगी। इस एम्बुलेंस में हाईएस्ट सर्विस है। कोई रोड एक्सीडेंट या इमरजेंसी होती है, ऐसी आपातकालीन स्थिति में भी यह एम्बुलेंस काफी तेजी से उन तक पहुंच सकती है। ऐसी 4 एम्बुलेंस NHMMI द्वारा लॉन्च की गई है, जिसमें से 2 एम्बुलेंस SCL एम्बुलेंस है और 2 एम्बुलेंस 2BSL है। कुछ 4 एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाई गई है। NH247 के लिए रायपुर से मोहम्मद हसन की रिपोर्ट। और चलिए अब बात कर लेते हैं विकास का गढ़ छत्तीसगढ़ की। भूपेश सरकार महत्वाकांक्षी शहरी स्वास्थ्य स्लम स्वास्थ्य योजना सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में इन दिनों लोगों के लिए संजीवनी बनी हुई है। नगर वासियों को इस योजना से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं। नगर के प्रत्येक वार्डों में मेडिकल वैन लोगों के घर घर पहुंच रही है और लोग इसका भरपूर लाभ भी उठा रहे हैं। इस योजना से क्षेत्र के लोग बेहद खुश है। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों को घर के नजदीक ही उत्तम स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना 1 नवंबर 2020 से शुरू की गई थी, जिसके तहत मोबाइल मेडिकल यूनिट के जरिए डॉक्टर अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। नागरिकों को मोबाइल मेडिकल यूनिट के द्वारा कैंप के माध्यम से निःशुल्क परामर्श, उपचार, दवाइयां और लैब टेस्ट की सुविधा प्रदान की जा रही है। नगर पंचायत बरमकेला में सप्ताह में 2 दिन एमयूएमयू गाड़ी प्रत्येक वार्डों में अलग अलग जगह लगाया जाता है। इसमें निशुल्क दवा वितरण एवं सभी प्रकार के टेस्ट किए जाते हैं। जो महिला पुरुष घर से नहीं निकल पाते, उनके घर तक पहुंचकर उनका सेवा किया जाता है। जितने गरीब दुखी निशुल्क दवा एवं जांच का लाभ उठा रहे हैं। जो हमारे छत्तीसगढ़ सरकार है, जो वार्ड वार्ड में भेजत रही ना वो स्वास्थ्य वाला बस, ओकर हमला बड़ भरपूर लाभ मिली से। जैसे कोई डोकरी दही मन आ जा नहीं सके, ओकर द्वारी ले जाके खड़े होके वो मन इलाज करे के सुविधा मिलत रही। अपन जैसे हमार हाथ में पैसा ऐसा नहीं होला, फ्री में हमला दवाई मुक्त करत रही, इलाज बड़ बढ़िया और काम आत रही समझ। मतलब कोई ला ले जाहा कि आहा का के मतलब कोई जरूरत नहीं पड़त है, अपन मन जाके खुद चेक करवा सकत हैं और डॉक्टर भी बढ़िया जैसे हर इलाज के ओमन दवाई माटी सब देते हैं। शासन द्वारा समाज के हर वर्ग तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयास किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत शहरी स्लम बस्तियों में चिकित्सक, पैरामेडिकल टीम, मेडिकल उपकरण और दवाओं से लैस मोबाइल मेडिकल यूनिट के द्वारा सारंगढ़ बरमकेला के चिन्हांकित स्थानों पर पहुंचकर लोगों को निशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। अब सारंगढ़ जिले के हर गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति तक घर पहुंच स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो रही है। साथ ही अब लोगों को छोटी छोटी बीमारियों के लिए अस्पताल तक जाने, डॉक्टरों की फीस और दवाइयों के खर्च से भी राहत मिल रही है।
आज छत्तीसगढ़ के माननीय भूपेश सरकार जी द्वारा जो महत्वाकांक्षी स्वास्थ्य योजना जो चला रही है आज स्लम योजना, वो बहुत ही लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है और बहुत ही मतलब मरीज को उसमें स्वास्थ्य का लाभ मिल रहा है। भूपेश काका की शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना से लोगों को बड़ी राहत मिली है। इसमें समय की बचत के साथ साथ घर पहुंच सेवा भी मिल रही है, निशुल्क परामर्श और निशुल्क दवाइयां भी उपलब्ध हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, आईएनएस 24/7। शनिवार को कांग्रेस सरकार की शराबबंदी पर वादा खिलाफी के विरोध में बीजेपी ने सभा का आयोजन किया है। सम्मेलन में बड़ी संख्या में महिलाओं ने इकट्ठा होकर शराबबंदी पर वादा खिलाफी के विरोध में निंदा प्रस्ताव पारित किया। सम्मेलन में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, संगठन महामंत्री पवन साय, भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष शालिनी राजपूत के साथ ही भाजपा के विभिन्न मोर्चा संगठनों के कार्यकर्ता उपस्थित हुए। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि शराबबंदी का झूठा वादा करके सत्ता में आई कांग्रेस सरकार के शासन में 40% शराब नकली बिक रहा है। इससे लोगों को कई बीमारियों से जूझना पड़ रहा है। पूरे राज्य में स्थित शराब की दुकानें खराब स्थिति में हैं। सम्मेलन को संबोधित करते हुए इस सम्मेलन के संयोजक पूर्व आईएएस और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति सदस्य गणेश शंकर मिश्रा ने कहा है कि उनके आबकारी आयुक्त रहने के दौरान उन्होंने भाजपा शासनकाल में आंशिक मद्य निषेध की शुरुआत कर दी थी। उन्होंने कहा कि समाज में शराब कोढ़ के रूप में है। आज मांडर में विधानसभा में एक विधानसभा स्तरीय कार्यक्रम गणेश शंकर मिश्रा जी के देवजी गांधी राजपूत जी और मंडल के सभी पदाधिकारी मंडल अध्यक्षों की उपस्थिति में संपन्न हुआ और निश्चित रूप से एक आक्रोश जो महिलाओं के मन में है, जो वादा किया था जन घोषणा पत्र में वादा भूल गए हैं और ये शराब घोटाला से लेकर चावल घोटाला से लेकर जितने भी घोटाले हो सकते हैं वो सरकार में हो रहा है। जनता का वो भंग पूरी तरीके से देश प्रदेश हो चुका है। 2,000 करोड़ रुपया वो जो हर साल इससे शराब से कमा रहे थे और अब 4.5 साल गवर्नमेंट चलाते हो गया, चुनाव होने को है, तो अब वो ये बोल रहे हैं कि शराबबंदी करना संभव नहीं है। और अब लोग इस बात को समझ चुके हैं, जब 4 माह में चुनाव होगा तो इस स्वर को अभ्यक्त लोग किस प्रकार से देंगे, कैसा स्वर देंगे। ये आज 5,000 से अधिक महिलाएं जो आई हैं, नौटपा चल रहा है, 45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है और उसमें 5,000 से अधिक महिलाएं आ करके ये नारा लगाई हैं कि आग लगी है आग। खबरों में फिलहाल बस इतना ही, आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।